नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह वैदिक, मेरे सहयोगी गब्बर सिंह वैदिक और एच सी राणा के साथ। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तहसील कल्याण अधिकारी निर्मंड देवेंद्र कुमार जी से। मुलाकात इसीलिए करवा रहे हैं, तहसील कल्याण अधिकारी के पास बहुत सारी ऐसी योजनाएँ आती है जो धरातल पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पहुँच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से नहीं भी पहुँच रही है। अब पहुंचने के क्या कारण है या नहीं पहुंचने के क्या ऐसे कारण है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे आज इस विषय में। क्योंकि अक्सर देखा गया, जैसे हमारे मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे मकान हो या किसी को पेंशन इत्यादि वगैरह हो, तो अक्सर क्या देखा गया कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं किसी को मकान नहीं मिलते हैं। अक्सर मैं क्या देखा, 2-3 सालों के अंदर हमने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं, तो जब कल्याण अधिकारी जी के संज्ञान में वो चीज़ें आई, इन्होंने उनका निपटारा समय पर ही किया। बहुत सारे लोगों को ऐसे मकान मिल चुके हैं। अभी हम बातचीत करेंगे तहसील कल्याण अधिकारी निर्मंड से। सर, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है, गांव की गूंज दिल्ली तक। अक्सर बहुत बार हमने आपसे संपर्क किया किसी भी मुद्दों को लेकर, चाहे किसी की पेंशन की समस्या हो, चाहे किसी को मकान मिलना हो। जब आपके संज्ञान में ये चीज़ें आई, आपने उसका समाधान किया है। सर, ऐसे क्या कारण है, मूलभूत जो योजनाएं हैं किसी न किसी रूप से आम जनता तक वो पहुंच भी रही है और नहीं भी पहुंच रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आज हमारे यहाँ आए हैं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि कल्याण विभाग की योजनाएँ जो कमज़ोर वर्गों के लिए मुख्यतः चलती है, तो समाज में हम देखते हैं कि ऐसे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे वंचित वर्ग के लोग हैं जिनके लिए जो है कल्याण विभाग योजनाएं चलाता है। इसमें आपने पेंशन योजना की बात कही, इसमें आपने मकानों के लिए योजना की बात कही, तो ज़्यादातर योजनाओं का जो प्रचार प्रसार है वो पंचायतों के माध्यम से होता है और मीडिया के माध्यम से होता है, समाचार पत्रों के माध्यम से होता है। तो ज़्यादातर लोग जानकारी का अभाव एक मुख्य कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। उसके अलावा हमारी कोशिश ये रहती है कि समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उस तक पहुंच पाएँ, तो उसमें मीडिया का भी सहयोग रहे अगर, और पंचायतों का, खासतौर से चुने हुए प्रतिनिधियों का भी अगर सहयोग रहे, और आम जनमानस भी जो है अगर योजनाओं के प्रति जागरूक रहें, उनको इस बात की जानकारी रहे कि योजनाएं किसके लिए है और किस तरह से उनका लाभ लिया जा सकता है, तो शायद इन समस्याओं से हम जो है वो निपट सकते हैं। सर, ऐसी क्या क्या योजनाएं चली है आपके विभाग के माध्यम से, हमारे दर्शकों को बताएं सर। जो सबसे मुख्य योजना है कल्याण विभाग की वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग है जो आर्थिक रूप से अपना शायद गुजारा नहीं कर पाते हैं, तो उनका सहयोग करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बनाई गई है। इसमें वृद्ध व्यक्तियों के लिए, विधवा एकल नारियों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना है। तो जो वृद्धावस्था पेंशन है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए प्रदेश सरकार ने ये जो है प्रति माह जो पेंशन का एक अमाउंट है उसका प्रावधान किया हुआ है, जो हमारे यहाँ जिला कुल्लू में 3 महीने के अंतराल में मिलता है। तो 60 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अगर होगा, यदि जो है वो स्वयं और उसका दंपति यानी कि पति या पत्नी में से यदि वो सरकारी सेवा से रिटायर नहीं है या सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है या वो आयकर नहीं भरते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्ति जो है वो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं। तो ये हिमाचल सरकार की बहुत बड़ी पहल है कि लगभग सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें जो है वो सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जो विधवा पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, उसमें ऐसी भी महिलाएं हैं, जैसे मान लीजिए किसी महिला के पति की किसी कारणवश जो है मृत्यु हो गई है, लेकिन वो किसी ऐसे परिवार में रहते हैं कि उनके परिवार की जो सालाना इनकम है वो 50,000 या उससे कम की बनती है, तो वो जो है विधवा पेंशन के लिए पात्र होती है। एकल नारी महिला हम उन्हें कहते हैं जिनकी उम्र जो है 45 वर्ष उससे अधिक की हो, लेकिन जो है उन्होंने विवाह नहीं किया है, वो अविवाहित है, तो उनको भी यदि जो सालाना वार्षिक आय है वो 50,000 या उससे कम है, तो वो एकल नारी पेंशन उनको प्रदान की जाती है।
इसके अलावा दिव्यांगजन होते हैं, यदि किसी व्यक्ति का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट है, वो जो है 40% या उससे ज़्यादा का है, तो 40 से लेकर 69% यानी कि 69% तक, 40 to 69% तक अगर किसी का जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना है, तो उनके परिवार की अगर इनकम 50,000 या उससे कम है तो उनको जो है वो अपंग वाली पेंशन मिलती है। यदि किसी का जो वो परसेंटेज है मेडिकल वाला वो 70% से ज़्यादा आता है तो उनको बिना किसी आय सीमा के जो है वो पेंशन का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जो 40% से ज़्यादा का जो दिव्यांग व्यक्ति होगा जिसका जो मेडिकल है वो मानसिक उस मतलब मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित होगा तो उनको बिना किसी आय सीमा के पेंशन देने का प्रावधान है। सर जैसे आपने कहा भी कि जैसे कोई अपंग है या मतलब प्राकृतिक रूप से, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या वो अपंग हो जाता है, क्या वो इन सुविधाओं को लेने के लिए पात्र है सर? इसके लिए सबसे पहले जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना उनके पास अनिवार्य है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है मेडिकल बोर्ड की तरफ से, ज़िला कुल्लू का अपना मेडिकल बोर्ड है, तो वहाँ पे अगर असेसमेंट करते हैं और जो मेडिकल सर्टिफिकेट उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो 40% या उससे ज़्यादा का बनता है और परमानेंट डिसेबिलिटी का बनता है तो वो जो है पात्र हो जाते हैं। और यदि जो है उनकी इनकम अगर 70% से कम है तो जो इनकम अगर 50,000 से कम होगी तो जो है वो इसके अपंग पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। जैसे सर अभी हमारे निर्मल ब्लॉक के रिपोर्टर वे जोशी ने तुंदन गांव की खबर लगाई थी जी, एक महिला है 20 सालों से उसको मकान नहीं मिला जी। जब आपके संज्ञान में ये मामला आया तो आपने तुरंत उसमें संज्ञान लिया और वहाँ के प्रतिनिधि से संपर्क किया जी, चलो उसमें आगामी कार्यवाही हो रही है। एक मामला हम उनने आपके ध्यान में लाया था गोपी राम जी के क्षोली में जी, आजकल उनका मकान बन रहा है। जैसे आपने पहले भी कहा कि इसका मीडिया का एक अहम किरदार है इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए और पंचायत का भी। चलो आपके पास तो पूरा निर्मल ब्लॉक होगा, निर्मल ब्लॉक के अंदर जितनी पंचायतें आती है वहाँ का मुखिया प्रधान है, चलो प्रधान के पास भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद प्रधान के अंडर कहीं 6 वार्ड है या 5 वार्ड है, 7 वार्ड है, चलो एक वार्ड मेंबर के पास एक छोटा सा सीमित क्षेत्र है, फिर भी सर जिनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, सर कहाँ कमी है इसमें? इसमें शायद एक तो जागरूकता का जो मुख्य अभाव हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि उस वार्ड लेवल पे जो है वो चुने गए हैं तो एक तो शायद जानकारी का अभाव उनका हो सकता है, दूसरा एक सेंसिटाइजेशन एक संवेदनशीलता भी अगर किसी व्यक्ति में होती है तो वो खुद भी जो है एफर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो यदि मैं अपने निजी उसमें बात करूँ तो हमारी कोशिश रहती है कि हम खुद जो है गांव में पंचायत स्तर पर शिविर भी लगाते हैं, ग्राम सभाओं में भी जाके जो है योजनाओं का जो है वो प्रचार करते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो कवर इसमें हो भी जाते हैं। लेकिन जैसे आपने 2 मामलों की भी बात की हम जी सर कि एक महिला वो तुंदन वाली महिला थी तो उनका जो है आवेदन नहीं, एक तो हमारे कार्यालय में नहीं आया था, तो जब पंचायत से बात हुई थी तो शायद प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है उनका वो उन्होंने चयन उसमें किया हुआ था। तो जब इस तरह के मामले जब हमारे सामने आते हैं, कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल भी ना कार्यालय में पहुंच सकता है ना पंचायत में पहुंच सकता है या शायद वो उन प्रतिनिधियों के साथ भी संपर्क में नहीं है, तो इस तरह से जब भी कोई मामला हमारे पास आता है तो सबसे पहला यही रहता है कि हम उस तक पहुँच पाएँ और जो योजना के अंदर जो कवर करने के लिए ज़रूरी जो औपचारिकताएँ निर्धारित की जाती है उनको जो हम पूरा कर पाएँ। पीछे जो आप गोपी राम जी का मामला कह रहे थे कि फिर हमने जैसे आपने कहा आपने उस चीज़ को हाईलाइट किया था कि इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो जब उनका मौका निरीक्षण जब किया गया तो वो बात जब सत्य पाई गई तो उनका आवेदन भरा गया था और उनका आवेदन जो है फिर हमने जो स्कीम गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसेस किया था और बाद में उनके फेवर में जो है वो स्कीम का सेंक्शन भी हो गया था। तो इस तरीके से कि यदि सभी से निवेदन ये है ख़ास तौर से कि चाहे कोई जनप्रतिनिधि है या समाज का कोई भी व्यक्ति है, यदि आप स्कीमों के बारे में जानकारी रखेंगे और गरीब व्यक्ति के प्रति वंचित व्यक्ति के प्रति थोड़े संवेदनशील रहेंगे तो जो है आप कहीं भी उसको संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, पंचायतों के थ्रू जो है उनकी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं या सीधे तौर से जो है कार्यालय में या हमें फ़ोन के माध्यम से भी जो है उसकी जानकारी दे सकते हैं। फिर उसके लिए जब भी ऐसा मामला होगा अगर उसकी सत्यता वो सत्यापित हो जाती है कि वो किसी योजना के अधीन अंडर जो उसको कवर किया जा सकता है उसका
मेरिट बनता है तो उसको डेफिनेटली उसमें कवर किया जाए। जैसे सर आपने कहा कि पहले कोई अंतिम पंक्ति तक योजनाएं जानी चाहिए जो पात्र व्यक्ति है, जैसे तुंदन का मामला हमने कवर किया था तो वहाँ कुछ प्रतिनिधियों द्वारा सवाल उठाए गए थे कि भाई पहले सत्य की जांच करें, तथ्य जांच लें कि भाई क्या है इस मामले में, भाई ये तो भाई आप लोग पहले देखें सुने परखें, पंचायत प्रतिनिधि से संपर्क करें। तो जब हमने उसमें छानबीन की, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना उनका नाम डाला है, सर 3 साल हो गई है अभी तक उनका नाम नहीं आया है, कहीं ना कहीं तो ये कमियां है। और जैसे आपने इसमें चलो आप आगामी कार्य इसमें अमल में ला रहे हैं, अक्सर क्या देखा गया है भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना है, चलो आपके विभाग के माध्यम से भी मकान के लिए अनुदान दिया जाता है, अक्सर क्या देखा गया है हमने ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं, कईयों को बार बार मकान मिल रहे हैं परिवार में, या किसी ने बाप के नाम से बना लिया, बेटे के नाम से अलग अलग करके, मतलब एक प्रकार से हम ये कहना चाहेंगे भाई इसमें भी कोई कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा है। लेकिन जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है जिसको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही है, तो जैसे सर इसके लिए क्या क्या आपका क्राइटेरिया चाहिए, जो पात्र व्यक्ति है क्या क्या उनको चाहिए, या मकान मुरम्मत के लिए और मकान बनाने के लिए, इस बारे में बताएं सर। जो वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो हाउसिंग की स्कीम है उसको हम कहते हैं स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, इस इन योजनाओं में अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो पात्र होते हैं। उसमें जिस व्यक्ति ने आवेदन करना है, एक तो उसके नाम पे ज़मीन होनी चाहिए, उस ज़मीन का मालिक होना चाहिए, जो सालाना आय है वो 50,000 या उससे कम की होनी चाहिए। उसके अलावा जो है उनके पास, जैसे आपने कहा कि रहने लायक मकान ना हो या फिर जो है बिल्कुल भी मकान ना हो, ऐसे भी मामले आते हैं, तो वो व्यक्ति इसमें पात्र होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि जो वेलफेयर डिपार्टमेंट वाली जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग आते हैं, और इनकम का क्राइटेरिया 50,000 या उससे कम का रहता है इसमें। और जो है जो भी आवेदन करना है, जिसने मकान बनाना है, वो जो है ज़मीन का मालिक होना चाहिए कि कुछ जो है ज़मीन उनके नाम पे होनी चाहिए। बाकी सर जैसे किसी ने आवेदन करना हो तो जैसे फॉर्म वगैरह मान लो आपके ऑफिस नहीं पहुंच पाता है तो ये कहाँ से उपलब्ध होंगे? जो फॉर्म है वो विभाग की जो वेबसाइट है उसमें भी मिल जाएगा, कल्याण विभाग की हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट है उसमें भी मिल जाता है, पंचायतों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। अगर मतलब आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति हमारा ये संदेश सुन रहा है तो इस तरह अगर फॉर्म्स की ज़रूरत है तो हम व्हाट्सएप के थ्रू भी उनको प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो प्रिंट कर सके। लोकमित्र केंद्रों में भी जो है उनको आवेदन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहे LNI गाँव की गूंज दिल्ली तक।